सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं हूँ इस समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आज से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, वो भी पूरे 2 साल के बाद काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर हो रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, बोहो बाज़ार जो है वो गेट नंबर 2 पे एंट्री है उसकी और गेट नंबर 14 पे एंट्री है इस वाले फेस्टिवल की। तो फिलहाल अभी यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ और आपको मैं यहाँ से साथ शेयर करता हूँ कुछ डिटेल्स। एंट्री करते ही यहाँ पे लगी है बहुत सारी शॉप्स जिनके अंदर नॉर्थ ईस्ट का हैंडलूम और नॉर्थ ईस्ट का ही क्राफ्ट का सामान मिल रहा है, स्पेशल बम्बू आर्ट्स, वहाँ की ज्वेलरी और वहाँ के बने हुए क्लोथ्स। दीज आर ऑल बम्बू प्रोडक्ट्स, किचन्स, टूथब्रश। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शोकेस कर रहा है यहाँ पे अपनी रिच आर्ट, फैशन, म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट एंड स्पेशल ऑथेंटिक फूड को। तो अभी हम पहुँच गए हैं नॉर्थ ईस्ट के फूड स्टॉल एरिया के अंदर जहाँ पे सारा का सारा स्पेशलाइज फूड मिलेगा नॉर्थ ईस्ट का। तो गाइज ये है यहाँ का स्पेशल मेन्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट। Okay, so this is our
traditional food. Okay. And it's called sel roti. Okay. So it's made of rice, milk, rice and milk. Okay. And some sugar. Okay. And this goes with the spicy aloo dum. Okay. It's in Nepali style. And the mulika achar. Aloo dum sel roti. Aloo dum sel roti. Yeah. Okay. This is prepared in each and everyone's house during Dashera and in special occasions. That's and great. This is the special, very authentic food from our Kalimpong, Darjeeling. What is your name? I'm Nikki. निकी फ्रॉम दार्जिलिंग। एक मैंने लिया है दार्जिलिंग का ऑथेंटिक फूड की थाली, छोटी सी स्मॉल दिस वन, जिसका एक्सपीरियंस अभी मैम ने किया, अभी खा के इसका टेस्ट देखते हैं। दिस इज दम आलू। वेरी स्पाइसी। इडली है क्या? ये जो रोटी है ना, ये मीठी है, इसको पहले खाना, फिर उसके बाद ये दम आलू खाने। स्पाइसी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बैलेंस कर देगा डाइट को, साथ में ये मूली का अचार। हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। ये जगह देखने में जितनी प्यारी है उतने ही प्यारे हैं यहाँ के लोग, उनका कल्चर, उनका डांस और उनका फूड। और इन्हीं सब चीज़ों को नॉर्थ इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जा रहा है ये वाला फेस्टिवल, और ये इस बार का 10th एडिशन है, जो कि पूरे 2 साल के बाद दिल्ली में लग रहा है आफ्टर कोरोना। नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स में नागालैंड का हॉर्नबिन फेस्टिवल और अरुणाचल प्रदेश का जीरो फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मणिपुर का संघाई फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश का तवांग फेस्टिवल, मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, मिजोरम का एंथोरियम फेस्टिवल और असम का रंगाली फेस्टिवल भी काफ़ी फेमस है। Oh,
उठते तो तू ही मुझको बचा, तेरे मेरे राज थे जो तेरे मेरे घास थे। As the shivering cold barely keeps us alive, as the world that we know keeps on changing with time, and I lay down your bones, fill me up, when the others come and say, I am not the worthy one, but you're always there for me.